राजकन्या बड़ी सुंदर थी, देवता भी उसको देखकर आकर्षित हो जाएं, इतनी सुंदर थी। पिता के मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया, पिता के मन में लगा कि मेरी बेटी, इसका विवाह करना है मुझे, और मैं विवाह करना, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अब मैं किसी ज्योतिषी को बुलाऊं और ज्योतिषी को बुलाकर इसको जरा दिखाऊं कि मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है, और अगर मैं हर कोई ज्योतिषी को बुलाऊं तो वो श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए उस पिता ने अपने राज पुरोहित को बुलाया, अपने राज्य के पुरोहित को बुलाया, अपने कुल गुरु को बुलवाया और राज पुरोहित को बुलाकर कहा कि राज पुरोहित जी, मेरी बेटी का मुझे विवाह करना है, आकर उसका भाग्य देख लीजिए और उसका भाग्य बता दीजिए। और बेटी, राजकन्या का एक नियम सबसे प्रबल था, सबसे प्रबल नियम था राजकन्या का, कि वो शंकर के मंदिर के पुष्प को उठाकर, उन्हीं पुष्प की माला बनाकर, उन्हीं पुष्प का श्रृंगार बनाकर शंकर को पिना देती थी, शिवलिंग का श्रृंगार कर देती उसी पुष्प से। जैसे आजकल तो खैर मंदिर में बेलपत्र मिलना बड़ा कठिन हो गया, आपके राजनांदगांव के मंदिर में मिलता है क्या बेलपत्र? मंदिर में चढ़ा हुआ मिल जाता है क्या? आजकल तो बहुत कठिन हो गया, लोग चढ़ाते हैं और उठा के ले जाते हैं, बहुत मुश्किल हो गया। यदि भूलवश भी अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बेलपत्र चढ़ा हुआ है और बेलपत्र उसने एकाग्रित कर लिया मंदिर के अंदर ही, और मंदिर में बेलपत्र एकाग्रित कर कर धागा लिया और उस कच्चे धागे में, उस कच्चे धागे के अंदर अगर उस बेलपत्र की डंडी को पीछे से उसने एक एक साधारण सी गांठ लगाकर उस बेलपत्र की माला को सिद्ध कर लिया, हल्की सी कच्चे सूत की गांठ लगाते लगाते मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उसने गांठ लगाकर जब माला सिद्ध कर ली, और सिद्ध कर कर अगर वही माला भगवान शंकर को अर्पित कर देती है तो कहते हैं कि हमारा फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो ही जाती है, पुनर्जन्म से हम छूट जाते। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरण, उस प्रपंच से छुटकारा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पत्ती में छेद कर देते हैं, नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, इन दोनों पत्ती के अंदर सुई को नहीं पिरोना चाहिए, बेलपत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता और तुलसी पत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता, दोनों पत्र में। हाँ, कच्चे धागे से आप उसमें डंडी में गांठ लगाकर भगवान शंकर को माला धारण कर सकते हो, पर कौन सी बेलपत्र? फिर से बोलो जरा जम के, कौन सी बेलपत्र? जम के आवाज आना चाहिए, जो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई है वही बेल, धोया, माला सिद्ध करी और वही माला मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी, वही माला। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ॐ नमः नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद। शिव को चढ़ा हुआ पुष्प शंकर को वापिस समर्पित, शंकर का
बेलपत्र शंकर को वापिस समर्पित, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा है क्या।